अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मा है, मैं वीएम खलीलुर रहमान यहाँ अटलांटा से बोल रहा हूँ। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की अहम खबरें चंद हैं जिसे मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, सुनिएगा। हिंदुस्तान ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को यौम जम्हूरिया 2023 के लिए मदऊ किया। वाज़ह रहे कि यौम जम्हूरिया के लिए हर साल किसी सदर या वज़ीर आज़म को बुलाने का रिवाज है, जो कि 26 जनवरी को हिंदुस्तान के आईन के नाफिज होने के एजाज़ में मुनाक़द किया जाता है। नई दिल्ली हुकूमतें ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को अगले साल आने वाले यौम जम्हूरिया में मदऊ किया है। वाज़ह रहे कि यौम जम्हूरिया के लिए हर साल किसी सदर या वज़ीर आज़म को बुलाने का रिवाज है, जो कि 26 जनवरी को हिंदुस्तान के आइन के नाफिज होने के एजाज़ में मुनाक़द किया जाता है। इस पस मंज़र में हुकूमत हिंद ने अब्दुल फत्ताह अल सीसी को जारिया साल की यौम जम्हूरिया तकारीब में मदऊ किया है। अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म बनने पर मलेशिया में जश्न। वाज़ह रहे कि मिस्टर इब्राहिम ने अपोजिशन में तकरीबन 3 दहाइयां गुजारी हैं और ये उनके लिए एक शानदार वापसी है। उन्हें गैर अखलाकी ताल्लुकात और बदउनवानी के इल्ज़ाम में 10 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। कोलालंपुर, अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म बनने पर उनके हामियों ने मलेशिया में जश्न मनाया। जनूब मशरक एशियाई मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले आम इंतखाबात के बाद सियासी तअत्तुल में बादशाह की मुदाखलत के बाद उन्हें मुल्क का 10वां वज़ीर आज़म नामज़द किया गया, जिसके बाद 75 साल अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम ने जुमेरात को मुल्क के आला ओहदे का हल्फ लिया। वाज़ह रहे कि मिस्टर इब्राहिम ने अपोजिशन में तकरीबन 3 दहाइयां गुजारी हैं और ये उनके लिए एक शानदार वापसी है। उन्हें गैर अखलाकी ताल्लुकात और बदउनानी के इल्ज़ाम में 10 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। पाकिस्तान हरपन इतिहाद के सरबरा मिस्टर इब्राहिम ने मलेशिया के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के सामने मुल्क और अवाम की खिदमत का अहद किया। इस तकरीब में मिस्टर इब्राहिम के सियासी हलीफ भी मौजूद थे। इंडोनेशिया में 2 दिन से मलबे तले दबे बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। इंडोनेशिया के सुबह मगरबी जावा में जलजले के 4 रोज बाद भी आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। ताहम इमदादी कार्रवाई के दौरान 2 दिन से एक घर के मलबे तले दबे हुए बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। जाकर्ता, इंडोनेशिया के सुबह मगरबी जावा में जलजले के 5 रोज बाद भी आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। ताहम इमदादी कार्रवाई के दौरान 2 दिन से एक घर के मलबे तले दबे हुए बच्चे को जिंदा निकाल लिया। वहाँ से इस्तिस्का के बाद मक्का मदीना और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर शहरों में नमाज इस्तिस्का के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। कार्ति चिदंबरम से सीबीआई की पूछताछ। नई दिल्ली, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट
कार्ति चिदंबरम से चेन्नई शहरियों को मुबैना तौर पर वीज़ा जारी करने के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI पूछताछ कर रही है। आज यहाँ यह मालूमात देते हुए एजेंसी के जराए ने बताया कि चिदंबरम को CBI हेडक्वार्टर्स में पेश होने के लिए बुलाया गया था, जो सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे। मुल्क की आला तहकीकती एजेंसी ने चेन्नई शहरियों को वीज़ा जारी करने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता हफ्ता चिदंबरम मुंबई, मानसा, पंजाब और निजी कंपनियों समेत कुछ सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि चिदंबरम ने पैसे लेकर चेन्नई शहरियों को वीज़ा हासिल करने में मदद की। मामले के इंदराज के बाद CBI ने चिदंबरम से जुड़े मुख्तलिफ मकामात और उनके वालिद और साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम की रिहाइशगाह पर छापे मारे। एजेंसी ने चिदंबरम के करीबी साथी यस भास्करामन को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्र सहारा रोजनामे में ये खबर भी छपी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आवाम से अपील की है कि वो रियासत को खानदानी हुकुमरानी से पाक करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब कभी खानदानी हुकुमरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा कि BJP टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है। खानदानी हुकुमरानी में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज बनाना चाहते हैं। BJP इसको टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ ये ख़ानदान की बहबूद के लिए नहीं था। ख़ानदानी हुकुमरानी के ज़रिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी जमातें जम्हूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि ख़ानदानी हुकुमरानी की वजह से तेलंगाना ग़ुलाम बन गया है। एक ख़ानदान मुसलसल फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक ख़ानदान के लिए अलग रियासत नहीं बनी। तेलंगाना में इख्तदार की तब्दीली ज़रूर होने वाली है। रियासत में BJP की लहर महसूस की जा रही है। यहाँ भी इख्तदार में हम आकर रहेंगे। तेलंगाना की अब आइए अख़बार ज़र्रीन सुने। जो हमेशा पाकीज़ा रहे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जो बातिन को तौहीद पर कायम रखे अल्लाह ताला उसे मोहब्बत रखता है। दिन में रिस्क तलाश करो और रात को उसको तलाश करो जो रिस्क देता है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। अगर गलती न होने पर भी आपसे कोई माफ़ी मांग ले तो समझ लेना कि वो आपसे ज़िंदगी भर रिश्ता रखना चाहता है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. कह दीजिए कि वो ذات پاک है जिसका नाम अल्लाह है, एक है, वो माबूद पर हक बेनियाज है, न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और न उसके बराबर का कोई है।